हेलो सर, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं प्रजापति, बिलोंग्स टू राजस्थान। मेरे मॉडल का प्रदर्शन नाम है प्लास्टिक से ज्वलनशील ईंधन, हम कह सके तो पेट्रोलियम, पेट्रोल जैसा कुछ समृद्ध पदार्थ है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो सर, जैसे कि आप ये पन्नी देख रहे हो, यही हमारी पन्नी हमारी पृथ्वी को सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने में कारगर है, इसका सबसे बड़ा हाथ है, तो इसका हम निपटान करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा डिजिटल सिस्टम है, इसमें हमने पहले से पन्नी डाल रखी है, पर आपके सामने और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें डाल देता हूँ पन्नी। जैसे आप देख रहे हो, इसमें धुआं बनना शुरू हो चुका है। जैसे कि हमने इसके अंदर हमारे पॉलिथीन को डाल दिया है, इसको पैक कर दिया है। अब मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। हमने हमारे मॉडल को तीन चार भागों में बांटा है। फर्स्ट भाग है हमारा रिएक्टर, जहाँ पे बॉइलिंग सिस्टम, जहाँ पे हमारी प्लास्टिक गर्म हो रही है। यानी दूसरा भाग है हमारा कंडेंसर। एंड तीसरे में हम यहाँ पर हमारे लिक्विड को इकट्ठा कर रहे हैं। एंड चौथा स्टेप जो है, यहाँ पर हम गैस को फिल्टर कर रहे हैं, जिसमें हमारे हवा के अंदर जो कुछ बूंदे रहती है ईंधन की, उसको हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। एंड इसके अंदर जो प्रक्रम में पूरी ओवरऑल जो गैस बन रही है, उसको हम यहाँ पर गुब्बारे में इकट्ठा कर रहे हैं। एंड इसके मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत प्रभाजी आसवन विधि है। जैसे कि सर, मैंने आपको मेरे मॉडल की संरचना को बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कार्य कर रहा है, किसकी कार्य प्रणाली। हम सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप पर। ये हमारा रिएक्टर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे प्लास्टिक को फिल किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको 300 से 400 डिग्री का उच्च तापमान पर इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या हो रहा है, जैसे कि आप जानते हो प्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, इनकी इकाई यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह की रहती है। अब इनके बीच में है डबल बंद। जब इनको हम उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, तो उनके डबल बंद टूट जाते हैं, वो वेफर्स एंड वाष्प के रूप में इकट्ठा होना लग जाता है। जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे, तो वो बहुत उच्च तापमान पे होता होगा, कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में आते से ही वो यहाँ पर हमने कंडेंसर को पानी से ठंडा कर रहे हैं, जिससे हमारी जो वेफर्स है वो कंडेंस हो सके। जैसे ही कंडेंस होगी, तो यहाँ से पाइप के थ्रू ये हमारे कंडेंसर में आएगी, जहाँ पर हमारा लिक्विड को हम इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा कंडेंस हुआ लिक्विड था, यहाँ पर हमको इकट्ठा हो चुका है, इसके अंदर हमें वो मिल जाएगा। अब हमने भाप को 98% तक तो यहाँ पर कंडेंस कर लिया है, पर कुछ भी अभी उसके अंदर कुछ परसेंट बच रहा है, तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे। हमने पाइप को पानी के अंदर डाला है। पानी के अंदर डालने से क्या हुआ कि जो तेल की बूंदें हैं, वो यहीं पर जल की सतह पर यहीं पर रुक जाएगी। एंड इस पूरे प्रक्रम के अंदर जो गैसें, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इस तरह की जो गैसेस बन रही है, उसको हमने इसके अंदर कुकर के अंदर इकट्ठा कर लिया है। इसको प्रयोग करते हैं कि ये किस तरह का ज्वलनशील पदार्थ है। यहाँ पर जो इस प्रक्रम के अंदर जो हमें पेन में हमने लिक्विड प्राप्त किया था, निखार निकलना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, थोड़ा जूम लेना है यहाँ पर। इसमें हमने थोड़ा सा हमारा लिक्विड ले लिया है, इसकी हम स्मेल लेते हैं, तो ये थोड़ा पेट्रोल टाइप में, डीजल टाइप में, इस तरह की इसकी खुशबू है, जो मन को आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आग लग चुकी है। और जिसमें से आग लगने का जो तरीका था, वो जैसे पेट्रोल में एकदम से आग लगा देते हैं, ये जमीन पे फेंकते से, उस तरह से इसने आग पकड़ी है। तो सर, मैंने अभी आपको हमारा लिक्विड का टेस्ट करके बताया। अब हम इसके अंदर जो गैसेज, जो इस पूरे प्रक्रम के अंदर जो गैसेज निकल रही है, उसका भी आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इन सभी का एक मिश्रण है। तो सर, जैसे कि हमने देखा था, हमारे सेकंड स्टेप में जो हमको लिक्विड मिला था, वो कुछ इस तरह का है। ये अभी मुझे बहुत अशुद्ध टाइप लग रहा है, तो उसको हम शुद्ध करेंगे। शुद्ध किस तरह से करेंगे कि एक हमारा केन है, इस केन के अंदर इसको डालेंगे, तो ये इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने से इसकी वेफर्स बनेगी, इसकी वेफर्स को भी हम कंडेंस करेंगे। एंड इसको कंडेंस करने के बाद हमें एक लिक्विड मिला है, जिस तरह से आप देख रहे हो, बहुत थिन, एकदम पतला। और स्मेल करी जाए तो पेट्रोल की जैसी इसके अंदर स्मेल आ रही है, और पहले से तेज इसका जलने का तरीका है। इसका हम टेस्ट करते हैं किस तरह से काम है, इसको हम गाड़ी में काम ले सकते हैं। तो जैसे कि सर, हमने हमारे जो ऑयल निकला था, उसको हमने रिफाइन कर लिया, और रिफाइन करने के बाद हमको ये एक लिक्विड मिला है। लिक्विड को हम हमारे इसके अंदर ले रहे हैं, जिससे हम इसको प्रयोग में ले सकें। आपके सामने मैंने भर लिया, ओके। एंड अभी इधर आइए, थोड़ा इधर आना। ये हमने इसको ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने वो निकाल दिया है यहाँ से थोड़ा इसको। अब यहाँ पे हमारे पाइप को हम लगा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे नली लगाई है, किसके बीच में हमारे कोई सा पेट्रोल बचे नहीं, ओके। ये हमने इसको लगा दिया है, एंड इसको हम यहाँ पे कस लेते हैं।
ठीक है, ये आपके सामने हमने इसको पूरा भर दिया है। एंड हम हमारी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, इसको पकड़ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं क्या होता है। ओह वाओ, ये चल चुकी है थोड़ा सा। जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसका पूरा पेपर निकाल दिया था, डायरेक्ट हमने नलकी लगाई सात पेपर से हमारा चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये खत्म ही होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे काम में ले रहा है और अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो जैसे कि सर मैंने आपको मेरा पूरा मॉडल एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको मेरा मॉडल अच्छा लगा होगा और हम आमने सामने मिलेंगे, इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। थैंक यू।